नमस्कार, स्वागत है आपका आस्था फिल्म्स पर। दोस्तों, बीआर चोपड़ा महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रूपा गांगुली को आज कौन नहीं जानता है, जिनकी सुंदरता व गजब की डायलॉग डिलीवरी ने द्रौपदी के किरदार में जान डाल दी। आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे उठाया? वहीं जाइए। मेरी बात तो सुनो पांचाली। मुझे पता है तुम्हें ये प्रायश्चित यात्रा बहुत त्रास आई है। जिस नगर में गए हो एक एक पत्नी छोड़ाए हो और सुभद्रा को तो साथ ही ले वाला है। दोस्तों, आप सभी के कमेंट्स लगातार मुझे प्राप्त हो रहे हैं और मैं प्रत्येक कमेंट को पढ़ता भी हूँ। उनमें से ज्यादातर कमेंट्स में यही बातें होती हैं, महाभारत से जुड़ी हुई अनसुनी बातें व इसके कलाकारों पर वीडियो बनाइए। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे रूपा गांगुली के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी व इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। वैसे तो ये हम सभी जानते हैं, रूपा गांगुली ने अपने करियर की शुरुआत बंगाली शॉर्ट फिल्म तेना पावना से की थी और उस समय इनके स्नातक की पढ़ाई भी चल रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्होंने हिंदी में पहली फिल्म कौन सी की थी? तो वो फिल्म है सन 1985 में आई अनिल कपूर स्टारर साहेब। इस फिल्म में इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट की भूमिका निभाई थी। एक बार किसी बंगाली डायरेक्टर के बुलाने पर रूपा गांगुली उसके ऑफिस पहुंच गईं। रूपा गांगुली के ऑफिस पहुंचते ही वहां बैठे सभी लोगों की नज़र इनकी तरफ पहुंच गई, क्योंकि रूपा गांगुली सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी। इस बात को देखते हुए निर्देशक बोले, ये क्या बात है, आप सफ़ेद साड़ी पहने हुए हैं? मैंने आपको अपनी फिल्म में हीरोइन के रोल के लिए बुलाया है। इस बात पर रूपा गांगुली गुस्सा करते हुए बोली, क्यों, एक्टिंग क्या मेरी साड़ी करेगी? आप फिल्म में जैसा भी कैरेक्टर देंगे वो मैं करूंगी और उसी के हिसाब से कपड़े भी पहनूंगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में मैं कुछ भी पहनूं इसके लिए आप जज नहीं कर सकते। रूपा जी की नाराजगी को देखते हुए निर्देशक बोला, अरे आप तो बेवजह नाराज हो रही हैं। ये बात कहते हुए उसने रूपा को फिल्म की स्क्रिप्ट दे दी। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं, बीआर चोपड़ा साहब ने इनकी बंगाली फिल्म में इनके काम को देखकर महाभारत जैसे बड़े टीवी सीरियल में इन्हें द्रौपदी का किरदार देने का निर्णय लिया और फिर चोपड़ा साहब ने इन्हें फोन करके मुंबई स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। आखिर कैसे इन्हें द्रौपदी के रोल के लिए स्क्रीन टेस्ट देने के बाद फाइनल किया गया? चोपड़ा साहब के फोन करने के बाद रूपा गांगुली जी अपने पापा को लेकर पहुंच गई मुंबई बीआर स्टूडियो। रूपा गांगुली के लिए ये सब पहली बार था जिसमें रूपा गांगुली को इतने बड़े फिल्म स्टूडियो में जाने का मौका मिला था। इस बात को लेकर ये थोड़ा नर्वस भी थी। रूपा गांगुली के पहुंचते ही चोपड़ा साहब ने इन्हें मेकअप रूम में जाने के लिए कह दिया। चोपड़ा साहब के कहने पर रूपा गांगुली मेकअप व कॉस्ट्यूम पहनकर स्क्रीन टेस्ट के लिए तैयार हो जाती हैं। रूपा गांगुली को स्क्रीन टेस्ट के लिए 1.5 पेज की स्क्रिप्ट दी जाती है। आपको बता दें कि उस समय रूपा गांगुली की हिंदी काफी खराब थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना बेस्ट दिया और इस परफॉर्मेंस को देखते हुए फाइनली चोपड़ा साहब ने इन्हें द्रौपदी का रोल देने के लिए अंतिम निर्णय कर लिया। अब इन्हें द्रौपदी का किरदार के लिए साइन तो कर लिया गया था, लेकिन अब इनके लिए भी एक चैलेंज था कि इस किरदार को अच्छे ढंग से पेश करें। रवि चोपड़ा व बीआर चोपड़ा साहब के अच्छे निर्देशन व अपने अथक प्रयास के चलते रूपा गांगुली ने ये भी कर दिखाया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रूपा गांगुली जी को इतने बड़े महाभारत धारावाहिक में सबसे अधिक समय किस सीन को फिल्माने में लगा? दोस्तों, वो सीन है वस्त्र हरण का सीन। जब ये सीन शूट किया जा रहा था तो इन्हें बार बार अपना मेकअप खराब होने के कारण मेकअप रूम में जाना पड़ता था और इस सीन की इतनी बड़ी स्क्रिप्ट होने के चलते ये अपने इमोशन को ध्यान में रखने के कारण डायलॉग्स भी भूल जाती थीं। तभी सेट पर अन्य कलाकार इन्हें चिढ़ाकर बोलते थे, ये बंगाल की रसगुल्ले खाने वाली मोटी क्या हिंदी बोलेगी? आपको बता दें कि सेट पर सभी कलाकार रूपा गांगुली जी को मोटी कहकर ही बुलाते थे। एक इंटरव्यू में रूपा गांगुली जी ने कहा था, मेरी दोस्ती महाभारत के दुशासन से कभी नहीं हुई, क्योंकि उसने मेरा महाभारत में वस्त्र हरण किया है। और फिर ये भी कहा, धारावाहिक में सीन सिर्फ एक्टिंग था, उसके बाद फिर हम अपनी लाइफ में जिएंगे। फिर भी ना जाने क्यों उससे कभी कुछ खास बोलने की इच्छा नहीं हुई। इस बात से आप समझ सकते हैं कि रूपा गांगुली जी ने इस किरदार को कितनी शिद्दत से निभाया है। रूपा गांगुली जी बंगाल की होने के नाते इनकी बंगाली काफी अच्छी थी, इसीलिए इन्होंने अपनी बंगाली भाषा की फिल्में करने का दामन कभी नहीं छोड़ा और राजर राजा, पद्मा नाधिर माझी, युगांत, प्रतीक और अग्निकन्या जैसी फिल्मों में काम किया। और वहीं हिंदी भाषा की फिल्मों में बहार आने तक, सौगंध, प्यार का देवता, इंस्पेक्टर धनुष, गोपाला, कमला की मौत, अंतरमहल और 2017 में आई फिल्म बाबू मोशाई बंदूकबाज जैसी फिल्में शामिल हैं। और वहीं अगर बात की जाए इनके टीवी सीरियल्स की, तो इनमें महाभारत के साथ चंद्रकांता, करम अपना अपना, कस्तूरी, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो,
जैसे कुछ प्रसिद्ध टीवी सीरियल शामिल हैं। रूपा गांगुली जी ने सन 1992 में ध्रुव मुखर्जी के साथ शादी की। एक इंटरव्यू में रूपा गांगुली ने बताया था, मेरे पति ध्रुव मुखर्जी ने मुझे अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान के बारे में असुरक्षित महसूस करना शुरू कर दिया था और इसी के चलते धीरे धीरे ध्रुव मुखर्जी ने रूपा गांगुली को फाइनेंशियल मदद करने के लिए भी मना कर दिया और इस बात से परेशान होकर रूपा गांगुली जी ने 3 बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी ध्रुव मुखर्जी का बिहेवियर रूपा गांगुली के प्रति नहीं बदला। इसी बात से परेशान होकर इन्होंने साल 2006 में ध्रुव मुखर्जी से तलाक ले लिया। उसके बाद रूपा गांगुली अपने से 13 साल छोटे सिंगर दिवेंदु के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रहीं। रूपा गांगुली ने बताया, जब मेरा तलाक हुआ तो मैं पूरी तरह से बिखर चुकी थी और उसी समय मेरे जीवन में दिवेंदु एक ठहराव की तरह आए और उन्होंने मुझे समझा और सम्मान दिया, लेकिन किसी कारणवश ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक ना टिक सका और दोनों अलग हो गए। हालांकि अब रूपा गांगुली जी राजनीति में सक्रिय हैं। तो दोस्तों, ये थी रूपा गांगुली के जीवन से जुड़ी ढेर सारी अनसुनी व सच्ची बातें। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और आपको महाभारत में रूपा गांगुली जी का द्रौपदी का किरदार कैसा लगा ये हमें अपने कॉमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा अवश्य बने ताकि आपको महाभारत के और भी कलाकारों की सच्ची जानकारी मिल सके। धन्यवाद।